हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। ललिका सैंडर लीग का दूसरा मैच आज का ग्रेनेडा वर्सेस गेटिफ के बीच होगा। अरे ये दोनों टीम्स काफ़ी फ्लॉप हैं इस सीज़न, तो आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए इस मैच के अंदर। थोड़ी बहुत ही इंजरी भी चल रही है बड़े प्लेयर्स के साथ, तो आपको बताऊंगा। बात करें है मेरे टेलीग्राम चैनल, जो लोग न्यू है बार बार टेलीग्राम चैनल में उनको ही दिखाता हूं। आप समझो कि हर बार दिखाता हूं, तो वो सिर्फ हैं जो न्यू यूज़र्स हैं, जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि यहां पर मैं दिन की एक से दो टीम ओपन देता हूं और यहां पर लिंक इसका नीचे। तो गाइज़ हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ता हूँ मैं आगे, बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं अगर इस मैच की, तो आपको बता दूँ कि मैं पहली बार ग्रेनेडा के फेवर भी हूँ। वरना गेटिफ का मैच है और मैं ग्रेनेडा के फेवर में हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस सीज़न गेटिफ एक भी मैच नहीं जीती, और कितना अजीब बात है, 8-9 मैच खेल चुकी है टीम और एक भी मैच नहीं जीती, जबकि ग्रेनेडा 1-2 मैच जीत चुकी है। तो उनका मनोबल बढ़ा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होगा इस टीम से, बात तो वही है। वो भी टीम टॉप की तो नहीं है, बस कॉन्फिडेंस की बात आती है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बात करें गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा मैं फर्स्ट प्लेयर डेविड सोरिया को। देन सोरिया वॉज फ्लॉपिंग फ्रॉम लास्ट मैनी मैचेस, लेकिन इस बात से आप ये जज नहीं कर सकते कि ये प्लेयर फ्लॉप जाएगा आज के मैच में, क्योंकि इनके पास पेनल्टी सेविंग रेशियो का एक अच्छा कॉन्फिडेंस वो भी रहेगा कि गोल रोक सके। लेकिन देखो सामने वाला तो गोल करके ही मानेगा, तो वो बात तो नहीं है। तो बात करें अगर हम डी सोरेस की, तो या देखो सोरेस को लेने का कोई और कारण नहीं। मान लो अगर दोनों तरफ से एक भी गोल नहीं होता, तो कम से कम 5 डिफेंडर एक साइड के होने ही चाहिए। दैट्स वाई मैं इस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। सी नेवा की बात करूँ, तो आपके ओपोनेंट कोई बड़ी बात नहीं कि कार्लोस नेवा को कैप्टन रखकर भी आए। लोग समझते हैं कि हमने रेयर टीम बना दी, तो बिल्कुल कैप्टन अलग चुन लो। देखो अगर आपके ओपोनेंट नो सिखिया हुए तो आप हार सकते हो। अब आप सुबह आप बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, नो सिखिया से कैसे हार जाओगे? इसका मतलब ये है एक्चुअली, देखो मैं अपने आप को कुछ नहीं कह रहा, ना मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे बनाएंगे टीम सिलेक्शन से, और यहाँ पर जो सिलेक्शन डिफेंडिंग ऑप्शन में ज़्यादा है मैंने नोटिस की है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन में जोर नहीं देना है। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, क्वीनी को लूँगा। क्वीनी एक नाइस प्लेयर है, लेकिन टीम हार रही तो मैं कैसे तारीफ कर दूँ, ठीक है, समझो। और आगे से बात करें वी डियास की, तो विक्टर डियास पिछले मैच में 90 मिनट्स खेला था, बट ही डिडंट डू अ सिंगल टैकल और इंस्क्रिप्शन, मतलब वो टीम थी ओएसए, और मैंने आपको पहले कहा था कि ओएसए भारी पड़ जाएगी। आगे से बात करिए इब्राहिम को लेना पड़ रहा है, बिकॉज द टू बिग प्लेयर्स द डुएट एंड वन अनदर प्लेयर एस एस्कुडेरो, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा, अगर खेलता है तो लेंगे, क्योंकि जर्मन भी एक पिक है। तो अभी तो इब्राहिम को 7 वेट कीजिए। बात करें मिडफील्डर की, एलेना को लूँगा। सी एलेना को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कार्लेस एलेना स्ट्राइकर है, तो ये स्ट्राइकिंग पर टिका रहेगा। दिखने में आपको लग रहा होगा कि वो स्ट्राइकर नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल इट्स अ स्ट्राइकर। रोचिना भी एक स्ट्राइकर है, और रोचिना ने रियल बेटिस के खिलाफ जब अपना मैच का डेब्यू पास किया था ना, और उस वक्त इस बंदे ने असिस्ट की थी, उसके बाद इसको बार्सिलोना के खिलाफ खिलाया नहीं क्योंकि उस वक्त एक्सपीरियंस चाहिए था, और उसी के साथ साथ रियल सोसाइटी के आगे भी असिस्ट की, तो अब ये एक परमानेंट प्लेयर बन गया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रखती है मेरे को। मैक्सिकोविक की बात करूँ, मैक्सिकोविक को तो मैं अपनी टीम में भी नहीं लेता बड़ी टीम्स के आगे, तो आप सोचो कि मैं वाइस कैप्टन कैसे रख दूंगा, तो टीम में ले रहा हूँ बस मैं आज। एलमिला की बात करूँ, मिला पेनल्टी टेकर है, तो मैं उससे मतलब वो नहीं करूँगा, मैं तो प्लेयर को अप्रिशिएट ही करूँगा, अच्छा करे। एंड आगे से बात करूँ एस रेमिरस को, लास्ट मैच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, 45 या 46 मिनट में बेचारा सब्स्टिट्यूट हुआ था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, इंजरी तो हुई नहीं पर सब्स्टिट्यूट क्यों किया, शायद लेटर अंदर से कोई इंजरी होगी फिजिकली, आई डोंट नो। अकेलेगा तो लूँगा, ज़रूर लूँगा, अच्छी ताकतवर प्लेयर है। और आगे से बात करें जेवियर सोरेस की, जेवियर सोरेस फ्लॉप जा रहे हैं ना, आज चल सकता है। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जेवियर सोरेस, वाइस कैप्टन रोचिना। यही मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।